उपराजधानी नागपुर में क्राइम थमने का नाम नहीं ले रहा है। नागपुर के जरीपटका पुलिस स्टेशन अंतर्गत चोरों ने लगाई एटीएम में सेंग, एटीएम में चोरी की और उसे आंख के हवाले भी कर दिया। आइए हम उपराजधानी नागपुर की अगर हम बात करते हैं तो आपको विस्तार से बताते हैं कि मामला क्या है। मामला यह है कि 29 मार्च की रात देर रात को एटीएम को चोरों ने अपना निशाना बनाया, उसमें से पैसे भी निकाल लिए गए और हद तो तब हो गई कि उसी एटीएम को आंख के हवाले भी कर दिया गया। क्राइम बढ़ता नजर आ रहा है नागपुर में, जबकि उपराजधानी नागपुर। आइए हम देखते आपको दिखाते हैं विस्तार से ये मामला क्या है हमारे रिपोर्टर अब्दुल शेख की खास रिपोर्ट में। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज रियाज शेख के साथ। जरीपटका, नागपुर के जरीपटका थाने के अंतर्गत एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के सामने आई है कि यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जो कैनरा बैंक का जो ATM है, यहाँ पर फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है, पुलिस दलबल के साथ में यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर स्पॉट पर आने के बाद में हमें पता ये चला है कि यहाँ पर एक सिलेंडर और दो कटर भी पाए गए हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये फॉरेंसिक टीम की जो गाड़ी खड़ी है यहाँ पर, और ठीक इसी गाड़ी के अंदर ही पीछे वाली जो गाड़ी है, इसी गाड़ी के अंदर डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर इसी गाड़ी के अंदर मौजूद है। और डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर तुरंत बुलाया गया है और एक सिलेंडर और दो कटर यहाँ पर पाए गए हैं। लेकिन डॉग स्क्वाड वहीं पर ही आसपास की दुकान के पास में घूमते हुए फिर वापस आ गए। तो पता अभी फॉरेंसिक टीम की यहाँ पर, जो फॉरेंसिक टीम यहाँ पर जांच कर रही है और पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है दलबल के साथ में, तो आगे क्या निकल के आता है। अभी CCTV फुटेज भी बाजू की दुकान में KB ऑटो के पार्ट्स के अंदर जो CCTV फुटेज खंगाला जा रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौजूद है और यहाँ पर बहुत बारीकियों से ये यहाँ पर चेकिंग हो रही है। क्या निकल के आता है फुटेज में, कौन है, इसका पता हम आपको पुलिस की जांच के बाद में बताते हैं। आप देख सकते हैं कि जरीपटका के अंतर्गत जो केनरा बैंक का ATM है, उस ठीक वही ATM पे यहाँ पर चोरी हुई। क्या हुई अभी पुलिस जांच कर रही है उस चीज़ की। यहाँ पर डॉग स्क्वाड भी मौजूद है और तहकीकात चालू है। मामला क्या है अभी पुलिस जांच चालू है और पुलिस जांच में क्या निकल के सामने आता है तो हम आपको रूबरू कराते हैं इस चीज़ से कि एक्चुअली माजरा क्या हुआ है और कितने बजे की घटना है। यहाँ पर पुलिस जांच कर रही है अभी यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कि पूरी फॉरेंसिक की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर बहुत गहराई से जांच पड़ताल चालू है और पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं पूरे दलबल के साथ में पूरी पुलिस की टीम यहाँ पर, अलग अलग यहाँ पर टीम मौजूद है और बहुत गहराई से यहाँ पर जांच पड़ताल चालू है। और जो KB ऑटो पार्ट्स है जरीपटका में, उसी के अंदर जो CCTV फुटेज है आप देख सकते हैं, वहाँ फुटेज खंगाला जा रहा है और देखा जा रहा है कि यहाँ पर क्या मिलता है फुटेज के अंदर। ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पर एक ये पुलिस की गाड़ी एक और यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर पूरी टीम दलबल के साथ में मौजूद है। ये बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। लुटेरे और चोरों के दिल से पुलिस का डर खौफ शायद निकल चुका है, जो इतने मेन रोड के ऊपर, जबकि CCTV फुटेज यहाँ पर मौजूद है और मेन रोड के ऊपर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। और ख़ास तौर से यहाँ पर यह रास्ता रात और दिन चालू ही रहता है और इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में केनरा बैंक का ATM लूटना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात निकल के सामने आई है। ये नागपुर के जरीपटका की घटना है।